तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं साल जी? खाटू श्याम। हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। यस, रथ के लिए बैठ रही है। चलो योरी पन्नी 20 रुपए के दे दो। फेरी कर अच्छा, ये 20 रुपए देंगे। ये हमारे साथ है और ये फ्री के टट्टू हैं विनोद जी। 20 रुपए के बेर चाहिए व्रत के पे। मेरा व्रत है। लोपन पुरानी है और जो इस पे जो कैकरोच की तरह जो कीड़े, वो सॉरी जो लड़के लिपटे हुए हैं, ये हमारे गांव के हैं। ये तो लात मार ससुरे के। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे को नए ब्लॉग में, और मैं देवेंद्र कंकरवाल। दोस्तों आज है 3 मार्च और आज सबसे पहले आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं सोकर उठ चुका हूं, अब जो नहान होने के बाद जो है अब पूजा पाठ करेंगे और अपना जो दैनिक व्रत है उसको कंप्लीट करेंगे और देखते हैं आज का दिन कैसा। प्रशांत भी जो उठ गया सोकर, जो है अंकिता भी सो रहा है। समय हो रहा है 7:30। मैं आया था ड्यूटी करके, तुम्हें सो गया था, ये सो है बड़ा भी बुखार। और इधर भी सब लोग उठ उठ कर जो है घूमने गए। जुगनी का आज पेपर है, जुगनी भी फास्ट है आज एकादशी का, वो 10th क्लास में। इधर जो रोटी बन गई है बट हम नहीं खाएंगे आज। और सूर्य उदय भी जो है काफ़ी तीव्र मात्रा में हो गया बने रही है आप इसी तरह, और दिखाते हैं आगे ब्लॉग में क्या होने वाला मज़ेदार आज। और हाँ, एक सरप्राइज और है आप सभी के लिए और हमारे लिए तो बेहद ही खास है, तो मैं बताता हूँ आगे, बने रही है। अभी मुलाकात कराते हैं एक और मित्र से और कहाँ की हमारी प्लानिंग बन रही है, एक नई जगह प्लानिंग बन रही है पहली बार जाने के लिए। तो कैसा होने वाला वो टूर तो देखते हैं, और कहाँ जाएंगे वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। चलिए फिर बने रहिए आप। दोस्तों मैं धोकर तैयार हो चुका हूँ एकदम फिट, और कपड़े पहन लिए हैं। अब जो थोड़ा तिलक उलक लगा लेते हैं। सामने विशाल जी आ गए हैं, ये देंगे एक नई खुशखबरी। चलिए पहले तिलक उलक लगा लेते हैं, पूजा पाठ करेंगे बाद में। इस जमाने में जो काम निकालता है वो इसके अंदर है, और जो सब कुछ ये करवाता है। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ तिलक। अब जो है ना, यहाँ स्टडी के लिए बना रखा है, स्टैंड वगैरह रखा है, ऐसा कुछ है। इधर वस्त्र रंग रहे हैं और तिलक की डुब्बी जी भी जो है किताबों में है। ठीक है, ये वैसे चंदन होना चाहिए, लाऊंगा इस बार चंदन अगर मैं जाता हूँ तो घर से बाहर निकले हैं। अब समथिंग 11 बज रहे हैं और साथ में विशाल जी हैं, और हवा तेज़ चल रही है कुछ, हवा के साथ साथ गर्द धूल भी उड़ रही है गांव में। और हम जो है विजिट कर चुके हैं अपने मंदिर में, जो कि मेरे तिलक से बिल्कुल मैच खाता है। नहीं, तिलक का तो कलर और है, देख लीजिए खुद ही इस तरह से कुछ मंदिर है। सुनसान है, खाली पड़ा क्योंकि कोई महात्मा संत इसके देखभाल के लिए नहीं है। तो विशाल जी ने दी एक बड़ी खबर बड़ी खबर का एक सरप्राइज़ है, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में बहुत बरसों से भी था कि जब से कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ तो मैं देखा करता था बहुत सारी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, और जी कहीं ना कहीं लगाव भी है और धार्मिक तो हम ही सर्च कर रहे हैं। हम 3 लोग जाने की प्लानिंग बन रही है, 3 लोगों की बात भी हो चुकी है, और जी की एक्साइटेड हैं देखने के लिए कैसा है कैसा नहीं है। समथिंग हमारे यहाँ से कितनी दूरी है विशाल जी? तो यहाँ रिजर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल में टिकट विकेट सर्च कर रहे हैं, तो अभी तो लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो यार सब्र नहीं हो रहा, जब से इन्होंने बताया है कि यार हम लोग वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी प्लानिंग सक्सेस होगी या नहीं होगी ये तो पता नहीं, लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको भी अब सब्र नहीं हो रहा होगा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है टिकट बुक ही नहीं हो पा रहा है, उसमें जो है क्या बेटिंग दिखा रहा है टिकट भी हम लोग स्लीपर का बुक कर रहे थे क्योंकि हमारा फर्स्ट कोच में बुक करने की जो है कैपेसिटी नहीं है, जिसको क्षमता कहते हैं, औकात कहते हैं, वो हमारी अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि उसका 1400 कुछ रुपये का टिकट है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं साल जी? खाटू श्याम। हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम, यस। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है और बहुत ज़्यादा भव्य और सुंदर, और जन क्या क्या होने वाला है वो तो वहाँ ही जाके पता चलेगा, बट जो एक्साइटमेंट है वो हाई लेवल। आप लोग और हाँ, कौन कौन लोग खाटू श्याम होकर आ चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, कैसा आपका जो है एक्सपीरियंस रहा वहाँ से। हमको ट्रेन में कोई सीट नहीं मिलेगी, और जनरल की अगर बात करें तो भाई पता नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो यहाँ से बस भी जाती है दिल्ली से, तो हम लोग अब बस बुक कर रहे हैं। 500 रुपये की एक सीट है, तो 3 सीट बुक कर रहे हैं, अर्थात 1500 रुपये की सीट है। तो बस से ही तो जाएंगे और दिखाएंगे। आप बने रहिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा जो मंजर है, एक दृश्य है, वो आप लोग देखने वाले हैं हमारे ब्लॉग के माध्यम से। गाँव से जा रहा हूँ, 5 तारीख में निकलेंगे परमात्मा की इच्छा अनुसार, अब अगर ठीक ठाक रहे तो। 12:30 बज चुके हैं और हमने जो है बस की बुकिंग कर दी है, 3 सीट बुक कर दी है और 500 रुपये की एक सीट है। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर अब, और पूजा पाठ करेंगे, और उसके लिए कुछ जो फल सामग्री है वो लानी है घर पर। हाँ, तो मंदिर छोड़ चुके हैं, अब जा रहे हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। खाली फल और अबे व्रत का होता है ये तो बताओ, काय का होता है बताओ तुम्हें?
हल्का आहार लेना होता है। हाँ तो हल्का खाओ ना, तो हल्का ही तो फल जो हल्के आहार में हमें है ना, थोड़ा खाओ ना, तो थोड़ा खाओगे तो फिर व्रत का छक्के का खा रहे हैं, थोड़ा लाइक पड़े हैं बिजारों के तनिया यहाँ घर में, नहीं ठल्ले आवारा काम ना धाम कुछ। तो अब बेर लेकर आते हैं, देखते हैं उनका सेवन करेंगे और आज आप लोगों को भी खिलाते हैं बेर अपने गाँव के। राधे राधे सच्चा, हमारे चाचा जा रहे हैं साथ में, मिल गए विनोद भाई आते हुए रास्ते में, और इधर हमारे गांव में बन रही है टंकी, अब सरकारी पानी पिया करेंगे मजे से, फ्री का तो नहीं कनेक्शन होंगे, तो वो इनकी बाइक पे है। राधे राधे, तीसरे आ चुके हैं इधर। और इधर जो है आगापुर के श्रेष्ठ व्यक्ति जो है शिवम जी खड़े, तो दिखे शायद तुम यार पीछे वहाँ। ये है गाँव की चामुंडा माता और बेरी इसके ऊपर भी है, छोटे बेर आ रहे हैं इस पर। ये रोहित की चक्की है, इधर जो बेरी का बाग है, भगवान इसे एक अच्छी सी नौकरी दे। वैसे नौकरी लगने की ना उम्र निकल गई, अब तो ना चल तो रही है। अरे कितनी उम्र होगी तेरी? 47। हजरिया है भांग के नशे में कैसे? ये जो है मित्र लोग हैं सब विशाल जी, और ये जो पाइपिंग होगी यहाँ टंकी की, उधर जो टंकी बन रही है, और इधर जो बाग में बेर है, तो यहाँ भैया हैं उनसे संपर्क करेंगे अभी बेर लेने के लिए, व्रत के लिए बैठे हैं। चलो योरी पन्नी 20 रुपए के दे दो। ताऊ देखिए बेर लेना जो आए हैं दो जने, मैं और विशाल फ्री कर। अच्छा ये 20 रुपए देंगे, ये हमारे साथ है, और ये फ्री के टट्टू हैं विनोद जी। आएंगे हम तो राम राम बोल जी। ब्लॉग अलग अलग लेंगे, 20 रुपए के बेर चाहिए व्रत के तहत, मेरा व्रत है। अच्छा लो पन्नी, लो पन्नी। अब ले इसमें 20 रुपए के इस लौंडे को ला दे, पैसे कमा रहा, हम तो वीडियो कमा रहे कहते हैं इनसे, अन्य खाने को ही ना मना नहीं किसी को भी। सही बात, बस बीड़ी बाड़ी पी लें, अपनी गोली उली खा लें, एक दो दवाई की लो। अब नन्हे ले मंडल भी मत लाओ, अब आज खा लो ले जाओ भैया, हम तो बीड़ी पीना या कभी वो खा लें बीड़ी ना, दवा खाता रहा हूँ भैया। नहीं जाएगा यार, भाई ताऊ ने पहले 20 रुपए ले लिए, और देखो कितने लोग हैं 20 रुपए में। बेर कहाँ है, यो एक पेड़ है इनका, बहुत पुराना पेड़ है। कैरपे के ले लिए इतने सारे, कैरपे में लेकर आओ तुमने वहाँ के 20 रुपए के। अच्छा 20 रुपए में इतने सारे, एक पेड़ है। अबे भैया लो पन्नी, पन्नी ये खाना आए हो? रोहित को दे दे, रोहित ले भाई, रोहित तो खुद खा रहा है। खा सकता हूँ मैं? हाँ खाओ, और क्या खाओ। बेर बहुत टेस्टी है, मीठा भी है, हल्का कच्चा अभी। सब लोग देखिए लगे पड़े हैं अपने अपने चारे पे। अभी से की बनाओ भैया, उसकी तो खाइए बेर, और बेरी वाले उधर बेर ढूंढ रहे हैं। अरे डालो यार तुम लोग, एक बेरी इधर भी तो ही ये बेरी के मालिक हैं। काट भी ले ये, ऐसे ऐसे डाल। हाँ सही कह रहा यो आदमी, देखो हरे हरे बेर कहाँ से लिया तू? पता नहीं ये तोड़ ले नन्हे भाई। कितने के आ गए होंगे ये बता रोहित? ₹2 के आधा किलो दिए, ध्यान रखिए। तो अभी 100 ग्राम भी ना है, आधा किलो से ज्यादा हो गए, और अभी भी लगे पड़े हैं सारे। विनोद झुलाइए भाई, लात मार ससुरे के। पुरानी है, और जो इस पे जो कैकरोच की तरह जो कीड़े, वो सॉरी जो लड़के लिपटे हुए हैं, ये हमारे गांव के हैं, ये तो 20-22-23 साल पुरानी है बस। और ये बेरी के जो है मालिक है इनके, इनकी जो बेरी है विनोद भाई जो अभी एक बात बोल रहे थे, और क्या बोल रहे थे, इसमें रिकॉर्ड है, और सबसे ज्यादा बेर यही बंदा लेके बैठा है, जो कि नन्हे भाई का डर बता रहा था, और सबसे ज्यादा बेर लेके बैठा है।
इन्हें मतलब और सरकारी माल जो और हाथ में ले रखा है, अभी अंदाजे लगा सकते हो भाई नियत। दूसरा आदमी यार जेब में भर रहा, जेब में भर रहा भाई साहब, फ्री फंड का आदमी बंदर लंगूर। देखिए लोग बोलते हैं कि इनको क्यों भोग लगाते हैं, ये कोई खाने आ रहे हैं या कुछ करने आते हैं। देखिए भाव नामक जो चीज होती है वह बहुत बड़ी होती है। अगर मन में भाव है तो प्रभु जरूर आते हैं खाने, अगर उनको सच्चे मन से अगर आप लोग बुला रहे हैं तो वो जरूर आते हैं। आपके भाव कैसे हैं वो केवल उसको देखते हैं, खाने कोई नहीं आता है, लेकिन जो भाव होते हैं आपके अंदर के उनके प्रति वो उन भावों को देखते हैं कि हमारे प्रति क्या भाव हैं और उसी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम जलपान कर लेते हैं। इसके जो धोखे से चक्कू लग गया मेरे से आज के दिन बांग कट गई इसकी। कैसे फील कर रहे हो? बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है, शैतानी तो तू कर रहा था मानने जी। शैतानी कौन कर रहा है, मैं जा रहा था चक्कू मार रहा हूं। खा लूं? खा ले। अच्छा भगवान जी से पहले दादा को दिया रही है, मैंने भोग लगा दी ना, इसमें गलत हो गई सिस्टम गलत। चलिए फिर खा लेते हैं, आप भी आ जाइए और जहाँ कहीं भी आप वहाँ भोग ले सकते हैं। और कौन कौन लोग एकादशी का व्रत रहता है जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। हरे कृष्णा, मिलते हैं आगे। अबे तू व्रत है? चार तो खा लूँ। अच्छा पके पके ले रहे हैं। तू कच्चे खा, ये पीले पीले बेर छोड़ दे। अच्छा पन्नी मत रखना, ये वाले इसमें हरे हरे 28 में से जैसे ये हैं ले सारे हरे दे दो ना। हाँ देंगे ना, चल हटा वैसे। दादा ने धोली हाथ रखे, दादा का खाट पर रख देती कटोरी। चलो दादा की जो बॉडी में वीकनेस आ गई है खूब ज्यादा है, लेकिन जो है अभी भी कर लेते हैं अपना जो कुछ करने का है इनका। इनकी कटोरी मैंने इधर रख दी है जुगनी ने, इसको रख देता हूँ यहाँ। लो लो दादा, क्या भाव मिलने लगे।